एसएससी सीजीएल डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आपके साथ मैं डिस्कशन के लिए लेने वाली हूं पेपर कोड 2713। कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स के पेपर्स जिनके पेपर्स से आप काफी कुछ सीख सकते हैं वो मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी लोगों से सबसे पहले बताना चाहूंगी कि हमारा जो नया बैच है टीयर 3 के लिए, काफी इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है, तो ये 31 अक्टूबर 2019 यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। अब सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमें पेपर्स लिखकर भेज रहे हैं, मैं सभी को बताऊं और लोगों को भी जो वीडियो देख रहे हैं कि इन पैरामीटर्स पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपका 50 नंबर का ऐसे है तो ये ब्रेकअप्स हैं। रेलेवेंसी के लिए हमने काफी ज्यादा मार्क्स रखे हैं, हालांकि मैं कंटेंट क्वालिटी के लिए एडवाइस करना चाहती थी कि इसको आप 10 नंबर का करें, लेकिन इसमें इसलिए रखा है क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने पेपर्स में इररेलेवेंट काफी चीजें लिखते हैं। ओके, 10 नंबर रेलेवेंसी के लिए होते हैं। आपको जब टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं होती है तो आप इधर उधर से बातें घुमाने की कोशिश करते हैं। फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए 5 मार्क्स हैं। वर्ड लिमिट, शब्द सीमा के लिए 5 नंबर हैं। कंटेंट की जो क्वालिटी है उसके लिए 8 नंबर हैं। फॉर्मेट के लिए 5 नंबर हैं। लिखावट साफ सुथरी है कि नहीं उसके लिए 5 नंबर है। इफेक्टिव सेंटेंसेस जो है उसके लिए 7 नंबर और कोहेसिवनेस के लिए 5 नंबर। इफेक्टिव सेंटेंसेस में आपकी वोकैबुलरी कैसी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, शब्दों का चयन कैसा है, वो सब इंक्लूड होता है। कोशिश करो कि आप बहुत अच्छी साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखिए। फॉर्मेट का मतलब है कि क्या आपने अलग अलग पैराग्राफ्स बनाए हैं, क्या आपने बॉक्सेस का अच्छे से यूज किया है और कितने बढ़िया तरीके से आपने ब्लेंड किया है, ये आता है कोहेसिवनेस में, सामंजस्य में। तो ये वो सभी पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम आपको मार्क्स देते हैं। अब चलिए यहां पर मैं सबसे पहले निशा बहादुरगढ़ का पेपर ले रही हूं आपके लिए। निशा जो है ये हमारी स्टूडेंट है हरियाणा से। टॉपिक आपको क्या दिया गया था? टॉपिक दिया गया था चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। भारत को इंटीग्रेट करने में, भारत को अखंड बनाने में, एकजुट करने में क्या क्या चुनौतियां हैं वो आपको एक्सप्लोर करना था। देखो अभी हाल ही में आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट किया गया है, खत्म किया गया है। ये जो टॉपिक है ये इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड है। ओके, यहां पर क्या कहा जा रहा है? बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू अ न्यू ग्रेटनेस व्हाइल अ लैक ऑफ यूनिटी विल एक्सपोज अस टू फ्रेश क्लैमिटीज। शुरुआत बहुत अच्छी। अ थॉट बाय अ मैन हु ड्रीम्ड ऑफ अखंड भारत यूनाइटेड इंडिया। बिकॉज ऑफ हिम मर्जर ऑफ 562 प्रिंसली स्टेट्स वॉज पॉसिबल टू इंडिया। सरदार पटेल वॉज द फ्लैग बेरर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। एज इंडियंस वी बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बीइंग अ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी रिलीजियस कंट्री नेशनल इंटीग्रेशन इज अ मेजर चैलेंज। आर कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड अराउंड 1500 डायलेक्ट्स आर स्पोकन अक्रॉस द नेशन। आंध्र प्रदेश इन 1956, पंजाब एंड हरियाणा इन 1966 वर स्टेट्स कार्व्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड फर्दर सेपरेशन ऑफ तेलंगाना इन 2014 from Andhra Pradesh on linguistic fanaticism speaks volumes of national disintegration. When our home minister proposed one nation, one language, it was strongly opposed by South Indian states. India is a multi-religious land. यहाँ पर होना चाहिए पॉलिटिशियंस हैव प्रोजेक्टेड वन रिलीजन अगेंस्ट द अदर टू रीप द पॉलिटिकल डिविडेंड्स। दिस रिजल्ट्स इन कम्युनल राइट्स, ब्लड मैथ एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री। बाबरी मस्जिद 1992 हिंदू मुस्लिम रायट, 2002 इन गुजरात आर फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल रायट्स। Moreover, casteism, social disparities, regionalism and economic inequalities leads to disintegration of the country. National integration confers strength to the nation, brings prosperity and keeps the wheel of economic growth rolling. देखो कितनी बढ़िया लाइन है। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं ना, आप में से तो कुछ एक लोग इस तरह से लिखते हैं कि ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड कीप्स अस यूनाइटेड, लेकिन जब आप इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं कीप्स द व्हील ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोलिंग, तब आपको इफेक्टिव सेंटेंसेस में बढ़िया नंबर मिलते हैं।
We, the people of India, as stated in preamble, empower citizens and encourage them to solemnly resolve the resolve for national integrity. Government too understands the importance of national integrity, so promotes it and create awareness among masses by celebrating 19th November as National Integration Day and 31st October birth anniversary of Sardar Patel as National Unity Day. देखिए इस लेवल का लिख रहे हैं जो अधिकतर स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, आपको मैं बताऊं. ओके, अब ज्यादा फर्क नहीं है. जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अब 10 बार एसेज लिख चुके हैं उनका इतना लेवल बन चुका है. आप देखो कितने बढ़िया शब्दों का चयन किया है, इनकी कंटेंट क्वालिटी देखिए आप कितनी अच्छी है, तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से ये लिख रहे हैं. ओके, तो अब यहां पर मैं आपको ले आती हूं इनके लेटर पर. लेटर में दिया गया था, यू आर सतबीर सिंह, आपका नाम है सतबीर सिंह, हु इज अ मैनेजर इन डेकोर फर्निशिंग दैट सेल्स डेकोरेटिव आइटम्स फॉर होम्स. ओके, आप डेकोर फर्निशिंग में काम करते हैं और ये जो डेकोर फर्निशिंग है ये घर के लिए डेकोरेटिव आइटम बेचते हैं. योर सीनियर हैज आस्क्ड यू टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर लो सेल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर. आपके सीनियर ने कहा है कि पत्र लिखकर बताओ कि नवंबर के महीने में सेल्स क्यों कम हुई है. आपको अपने सीनियर को पत्र लिखना है, तो क्योंकि आप अपने सीनियर को लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में लिख रहे हैं, तो फॉर्मेट ये होगा मैनेजर डेकोर फर्निशिंग न्यू दिल्ली, जो भी है डेट लिखिए द सीईओ, अच्छा डेकोर फर्निशिंग न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट रीजंस फॉर पुअर सेल्स इन नवंबर. सर, आई सतबीर सिंह मैनेजर ऑफ डेकोर फर्निशिंग्स वुड लाइक टू अपोलोजाइज एंड गिव रीजन फॉर पुअर सेल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर. सर, पोस्ट दिवाली मंथ जनरली रिजल्ट्स इन लो सेल्स ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स. ऑल्सो इकोनॉमी इज facing slowdown due to which people have become conscious in spending 28% GST on furniture items is the major reason for loss in revenue. Increased e-commerce business at competitive price are leveraging buyers to buy online rather than from physical store. I would like to sincerely apologize for the poor sales and would work on new strategies to boost sales in coming months. Thanking you, yours faithfully, Satbir Singh, manager decor furnishing. Okay, बहुत ही crisp to the point इन्होंने लिखा. दोनों ही इनके essay और letter जो हैं बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने. अगर आप भी इस level का लिख रहे हैं तो very good, आपके definitely 74 से 75 marks के ज्यादा ही आएंगे वहां पर tier 3 में. चलिए अगले पेपर पर चलते हैं. और अगला पेपर जो है ये नितिका गर्ग का पेपर है. नितिका गर्ग के मार्क्स जो है वो 71 मार्क्स आए हैं. इन्होंने संगरूर पंजाब से लिखा है. देखो जो ये टॉपिक दिया गया था चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, इसमें आप अलग अलग एंगल्स से ले सकते हैं. कुछ एक लोगों ने लिया कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको तभी फायदा होता है कि अगर हम डिवाइडेड होते हैं उसको वो वोट बैंक में कन्वर्ट करते हैं, वो लिखा. कुछ एक ने लिखा कि हम में डाइवर्सिटी ही बहुत ज्यादा है, भाषाओं की विविधता है, खाने की विविधता है, रहन सहन की, यूनाइट करना बड़ा मुश्किल होता है. कुछ ने लिखा कि कुछ जो है वहां पर कुछ एरियाज में काफी समय से आंदोलन चल रहे हैं कि उनको सेपरेट किया जाए. ये जो स्टूडेंट है, अब देखिए इसने एक ही एंगल को पकड़ा है लेकिन उसको पूरी तरीके से इन्होंने एक्सप्लोर किया है. सो दिस इज नितिकाज पेपर. नितिका संगरूर से हमारी स्टूडेंट है. ओके, ये इनका पेपर कोड है 2713, ये एसएससी रोल नंबर है. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू डील विद अ नंबर ऑफ चैलेंजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया नीडेड टू फील लाइक दे बिलोंग टू दिस कंट्री. कितना बढ़िया है ना ये वाक्य कि हमारे यहां जो इतनी विविधता है उनको ये एहसास कराना था कि नहीं तुम हमारी ही कंट्री का हिस्सा हो. There were demands from southern states to bifurcate the states linguistically. Our leaders had to deal with rising illiteracy and poverty. The major challenges were the secessionist movements. जो separate होने के लिए चुनौतियां थी ना वो major challenges थे. The demand for greater Nagaland by NSCN has been created since independence, which has caused insurgency in northeastern India. The parliament to curb the disturbance applied AFSPA in many northeastern states. It is an armed force special power act to maintain peace in an area. In eastern India and central India, the rise of Naxalites have caused a lot of tension in the areas. They target the public servants and bureaucracy to have their demands heard. Such acts of insurgency make it very difficult for an area
to develop and the period and provide it with the basic amenities. Many police officers have lost their lives fighting with the armed Naxalites. Another case is the issue of Khalistan after Operation Blue Star in 1984. The demand of Khalistan in Punjab region has caused a lot of disturbance. India is a land of diversity. It is not possible to fulfill the demands of every group that is formed. India is the largest democracy with well working institutions like parliament, judiciary, executive, working for the welfare of the people. Any section of society can take formal route for their demands to be heard, but it should not be at the expense of others. Okay. तो देखो कितने इन्होंने एक ही पॉइंट लिया है जनरली कि सेपरेट होना चाहते हैं. आगे देखो इरोम शोर मिला कितना बढ़िया एग्जांपल है. ऑल्सो कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर इज अ सोशल एक्टिविस्ट हु टुक टू पॉलिटिकल रूट टू रिमूव द AFSPA एक्ट इन मणिपुर. ओके तो ये था इनका एसे जो इन्होंने काफी अच्छा लिखा और जो पॉइंट इन्होंने लिया उसमें कहां कहां भारत में जो है इस तरह के अलगाववादी जो आंदोलन चल रहे हैं उनको उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लोर किया. अब इनका लेटर लेते हैं. XYZ होम फर्निशिंग्स ABC बिल्डिंग 123 स्ट्रीट मुंबई November 21st, 2019 द डायरेक्टर XYZ होम फर्निशिंग MNO बिल्डिंग ऑपोजिट शिव मंदिर मुंबई रीजन फॉर लो सेल्स रिस्पेक्टेड सर आई एम सतबीर सिंह द मैनेजर ऑफ AB ब्रांच आई हैव बीन वर्किंग विद माई टीम टू गिव यू द एग्जैक्ट फिगर्स ऑफ आर सेल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर सिंस लास्ट ईयर द प्रॉफिट हैज डिक्रीज्ड बाई 10% एंड द दिवाली सेल डिड नॉट प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग आर शोरूम हैज रिड्यूस्ड टू द रीजन कैन बी ऑनलाइन shopping there are a number of websites and applications like Pepperfry home buy which have been launched taking one-time customers people prefer shopping online because of the ease and ample discounts one gets employee and customer interaction does not matter anymore I really think we should invest in the IT department of our company to move along with the digital revolution. My team has been working very hard to produce good results. I hope you accept my reasons. Thanking you, yours faithfully, Satbir Singh, manager. बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है. आप देखिए, आप जरा कंपेयर कीजिए. अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं है तो वहां बैठे भी आप कंपेयर कीजिए और देखिए कि आप जो है इसमें से कितना लिख पाएंगे. क्या आपका भी इतना ही लेवल है? अब वो टाइम आ गया, इतनी ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ना कि एक एक नंबर जो है बहुत मैटर कर रहा है. ये है हमारे सामने हिमोन भट्टाचार्जी का पेपर. इंडिया हैज बीन अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कल्चर एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विद इन द सेम फिजिकल एंड फिगरेटिव बाउंड्रीज एज एवरीवन एल्स दिस इज ऑल्सो वाई हिस्टोरिकली इंडिया हैज सीन न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ मिसमैच्ड इंटरेस्ट एंड डिमांड्स ऑफ कंपीटिंग सोशल ग्रुप्स These conflicts, however, take the form of aggravated disputes that end up endangering the very integrity of our nation. हाला इस स्टूडेंट को थोड़ा सा काम अपनी हैंडराइटिंग पर करने की जरूरत है, थोड़ी सी इलेजिबल है. Disputes like the one in Jammu and Kashmir, which has been going on for decades and still doesn't seem to have an end in sight. देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आर्टिकल 370 को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, आर्टिकल 370 क्या है. परंतु क्या अगर इस तरह का टॉपिक आ जाए तो आप उसमें आर्टिकल 370 के बारे में जो आपकी जानकारी है उसको उस एसे में ब्लेंड कर पाएंगे, लिख पाएंगे, ये आपको देखना है. द टर्मोइल इन JNK दैट स्टार्टेड ऑफ विद द डिमांड टुवर्ड्स इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी फॉर देयर पीपल हैज नाउ ब्लोन अप टू सच गार्गेंटम प्रोपोर्शंस दैट नो वेस्टेड पार्टी सीम टू हैव एन ऑल एनकंपासिंग सॉल्यूशन टू इट. Other disputes such as the Bawri Masjid demolition case, extremism in northeastern states, Naxalites,
इंसर्जेंसी, इलीगल इमिग्रेशन एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ऑल ऑफ दीज इंसिडेंट्स आर केपेबल ऑफ डाइल्यूटिंग एंड डैमेजिंग द नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ये जो पैराग्राफ है इनके ऐसे का बहुत ही बढ़िया, ये वाला सारा पोर्शन इन्होंने लिखा है, इनको दिया जाता है ये गोल्डन स्टार. वेरी गुड माई डियर. आगे कहते हैं, पीपल लूज देयर लाइव्स, देयर लाइवलीहुड्स, फैमिलीज एंड लिबर्टीज थ्रू आउट द नेशन एवरी डे एज अ रिजल्ट ऑफ सच चैलेंज. All the while putting the social fabric of our country at risk. What needs to be done as of now is to make sure that any conflict or disputes are resolved as soon as possible. People of India should be taught to look beyond the ये unclear है dash of social inequality and stratification and speak up in a unified voice and exercise tolerance. A society that trusts its own and accepts everyone regardless of their race, caste, sex or complexion can effectively resolve all threats to the integrity of India. Okay? तो ये हिमवान भट्टाचार्य जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से हमारे स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इन्होंने लिखकर भेजा हुआ है. चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अगले पेपर पर, और ये है सुष्मिता बिजॉयपुरी का पेपर, और ये भी जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल से इन्होंने लिखकर भेजा है. वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ इंडिया से दबाकर स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, और उनमें से अधिकतर बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं. तो यहाँ पर टॉपिक क्या है आपका, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया. इंडिया इज अ कंट्री नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नेशनल इंटीग्रेशन रेफर्स टू द यूनिटी and integrity of the nation. A nation's growth and development depends on its unity and integrity, without which it lacks the power and strength to forge ahead and make sustainable progress. However, any country with a culture as vast and varied as India is bound to face challenges in this regard. India has 22 scheduled languages in the 8th schedule of the Indian Constitution. This is in itself a challenge because every time one goes out of their home state, they have to face communication problems. The southern states such as Tamil Nadu and Karnataka fighting over Kaveri River is another challenge to national integration. States should find a way to coexist peacefully and not fight over natural resources. Religious differences are also a problem in this regard. India is a home to people from various religions. Hindu, Muslim, Christians, Jews, Jains, Buddhists all live in India. Time and again, their mutual existence has been put in jeopardy by unscrupulous elements and caused disharmony among people belonging to different religions for their own selfish gains. Disunity and disintegration amongst citizens are a threat to national integration as they pose a serious threat to national stability. National integration strengthens and empowers the people and promotes peace and harmony. If India is to achieve its dream of being a $5 trillion economy by 2024, national integration and unity are of utmost importance. As Abraham Lincoln once said, a house divided against itself cannot fall. इनको स्टार मिलना चाहिए इस कोट के लिए. कोट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रेलेवेंट और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है फिनिशिंग की है. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया लिखकर भेज रहे हैं, ये भी उनमें से ही एक है. अगले पेपर पर चलते हैं आपके साथ, और ये जो है हमारे सामने जिससे उन्होंने खत्म किया उससे ये स्टार्ट कर रही हैं. दिस इज नितिका राणा फ्रॉम सोनीपत हरियाणा. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. नेशनल इंटीग्रेशन रेफर्स टू द स्पिरिट ऑफ वननेस डिस्पाइट डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन और लैंग्वेज. इंडिया प्रेजेंट्स एन एंडलेस वैरायटी ऑफ कल्चरल पैटर्न बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट पॉपुलेशन, बट यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी इज एन अप्रिशिएबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी.
ओके आगे कहते हैं, द मेजर चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन आर कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म. देयर इज अ ग्रोथ इन फीलिंग ऑफ हेट्रेड बिकॉज ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज. पीपल हैव बिकम लेस टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस. इवन द डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ सम रिलीजन्स हैव देयर कॉन्फ्लिक्ट्स. कास्टिज्म इज अनदर मेजर चैलेंज टू इंटीग्रिटी. हाउएवर killings because of intercaste marriages are very common. Recently, Madhya Pradesh witnessed a social boycott of Dalits in Ujjain. Linguism causes regionalism, which leads to formation of regional political parties like in states of Kerala and northeastern states. The socio-economic differences between the rich and the poor compels the poor to resort to anti-national activities. Poverty has led many youngsters to join Naxalites or Maoist groups. Terrorism is also a threat to national integration. आगे यहाँ पर क्या कहा गया है? Radicalism of young minds of feeding caste and religious superiority has led to terrorist organizations. Demands of Hindu Rashtra by extremist Hindu groups, separate statehood demand from northeastern communities like Bodoland to be covered carved out of Assam by Bodo community, the lingual differences with the south and unrest in Kashmir in north, no region in India is free from threats of disintegration. ये जो portion इन्होंने लिखा है very very nice नितिका, very nice. और देखो इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से बस जिक्र कर दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए. आपको इसी तरह से लिखना है, आपको कोई अपनी ओपिनियन नहीं देनी है, एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर जो है वो आपकी बात से सहमत ना हो, उसको नाराज ना करे. ठीक है, आगे ये क्या कह रहे हैं? इफ वी फाइट एंड डिवाइड वी आर वल्नरेबल एंड वीक. इवन इफ अ यूनिटी ऑफ फेथ इज नॉट पॉसिबल, अ यूनिटी ऑफ लव इज. ओके, तो ये था इनका पेपर जो इन्होंने काफी अच्छा लिखा हुआ है. और अब जो है मैं आपको नेक्स्ट पेपर पर लेकर चलती हूँ. और अगला पेपर जो है आपके सामने पृथ्वीजीत दत्ता का पेपर है. पृथ्वीजीत का पेपर ले रहे हैं, कोलकाता वेस्ट बंगाल से हमारे स्टूडेंट हैं. देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है. द वेरियंस ऑफ क्रीड एंड कलर इज द प्राइड ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड. कितना खूबसूरत वाक्य है ये, है ना. देखो कितना बढ़िया इन्होंने ब्लेंड किया है शब्दों को. बट समटाइम्स दिस वेरियंस पोज अ सीरियस थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन. इस स्टूडेंट की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये इररेलेवेंट नहीं लिखता है. ये इसकी बहुत ही बढ़िया बात है. देखो बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाकर तुरंत जो है टॉपिक से कनेक्ट किया. बट समटाइम्स दिस वेरियंस पोज अ सीरियस थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन. द बिगेस्ट चैलेंज इज रिलीजन. पीपल ऑफ सेम रिलीजन ऑलवेज प्रेफर टू मेक सोसाइटी. सम पीपल यूज दिस एज वेपन टू क्रिएट इंटेंशनल अनरेस्ट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट एंड दस क्रिएट डिसइंटीग्रेशन टू नेशनल हार्मनी. नेक्स्ट चैलेंज इज लैंग्वेज. Myriad language and dialects are being spoken on Indian soil. These create problem for people while traveling from one region to another across the country. Next challenge is cultural differences. The rituals of one part of country are sometimes causing national integration issue. Another challenge is food habit. Food habits are varied based on climate and availability of grains. The topical variance of India creates such differences. Federal government is another unavoidable challenge for national integration. Copious local political parties and government of different parties in center and in some states sometimes causes political disharmony and both start accusing each other. The unequal wealth distribution and poverty are other major concerns. The gulf of social acceptance can be experienced in bare eyes still in many parts of India. Kofi Annan said, education is the bridge between misery and hope. Proper education is the crying need to prevent wrong analysis and blow the whistle against chauvinism. More job creation can minimize the unemployment, which is the root cause of many social and national issues. Love for people and tricolor can sow the seed of brotherhood and national integration. देखो, simple simple सी चीजें इन्होंने cover की हैं, बिल्कुल irrelevant नहीं. क्या क्या लिखा है इन्होंने?
इन्होंने लिखा है कि हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग रिलीजन हमारा चैलेंज है, फिर लैंग्वेज हमारी हमारा चैलेंज है, ओके कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो हमारे चैलेंज है, उसके बाद जो हमारी फूड हैबिट है वो हमारा चैलेंज है, फेडरल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और वो वाली गवर्नमेंट कुछ और, वो हमारा चैलेंज है, कितनी बार जो सेंट्रल की पॉलिसीज है वो स्टेट गवर्नमेंट लागू ही नहीं करवाना पाती कर चाहती है। तो वो छोटी छोटी बातें जो लेकर है इन्होंने पूरे का पूरा कवर किया है। ओके इनका लेटर भी ले लेती हूँ। ABC होम डेकोरेशन प्राइवेट लिमिटेड पिन दिस 22nd अक्टूबर द सीनियर सेल्स मैनेजर ABC होम डेकोरेशन प्राइवेट लिमिटेड पिन रीजंस फॉर लो सेल्स डियर सर थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन टुवर्ड्स माय परफॉर्मेंस बिसाइड्स यू वांटेड टू नो द रीजन बिहाइंड द लो सेल्स इन नवंबर द प्राइमरी रीजन इज ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन एज यू नो द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज फेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड लो ग्रोथ वी आर नॉट एन एक्सेप्शन Besides, buyers have become bit inclined towards buying home decorative items online to save time and from enormous options available. Another repercussion of economic slowdown is some buyers have shifted to buying used products under good condition from various online selling websites. We have brainstormed new advertising campaigns so that we can increase sales in coming quarter. Moreover, we are trying to get customers' feedback to better our service. Hope I have avowed your show cause letter. I, along with my team, will always try to enhance business in upcoming days. थैंकिंग यू योर्स ट्रूली फिर सिग्नेचर वगैरह करके बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है। वर्ड काउंट है इनका 158। वेरी गुड देंगे पृथ्वीजीत को लेटर और एसे दोनों ही इन्होंने जो है काफी अच्छे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेपर लीजिए आपके सामने यहाँ पर है संपन घोष का पेपर। अब संपन घोष क्या कह रहे हैं देखते हैं हम। ओके ये कहते हैं यहाँ पर देखो कि नेशनल इंटीग्रेशन इम्प्लाइज द स्पिरिट ऑफ वन नेशन डिस्पाइट डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन्स लैंग्वेज एंड रीजन्स द फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। नेशनल इंटीग्रेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया To make people aware about importance of unity, National Unity Day, 31st October, Integration Week, okay, Integration Week aapki 19 se 25 November every year by our government. India presents an endless society of cultural patterns with large population, thus to maintain stable diversity. India poses many problems and challenges. Firstly, the ethnic diversity among the people, as our society and societal norms are mostly based on caste, creed and religious matter. Secondly, a grave problem is communalism due to the narrow mindset of the people. The politicians also add fuel to such conflicts to gain popularity. Thirdly, the cultural differences sometimes also play a major bottleneck in the path. The differences between northern states and southern states often foster mutual discord and animosity. Fourthly, the linguistic differences among the people sometimes trigger a major problem. Fifthly, the casteism, which is considered as a social evil and results into conflicts and agitations which hampers national integration. Setting aside all these problems, we should be optimistic and also pragmatic at the same time to deal with the perishing national integration. We should protect and promote integration of our nation by doing what is possible. We should also put in sincere efforts to save India from being fragmented and unite every part of our nation. Okay? तो ये था इनका ऐसे। अब मैं आपको ले आती हूँ इनके लेटर पर। प्लॉट नंबर 37 XYZ नगर दिल्ली 10 दिसंबर द जनरल मैनेजर सेल्स डेकोर फर्निशिंग दिल्ली। इस तरह का फॉर्मेट लिखिए आपको दो तीन नंबर तो फॉर्मेट में ही मिल जाएंगे पूरे के पूरे। सब्जेक्ट Letter of explaining reasons for low sales in the month of November, respected sir, madam. With due respect, I, Sadbir Singh, manager in our esteemed organization, would like to inform you with regret that the sale for the month of November have touched a record low. During my investigation, I realized that our company is dealing in a large number of products of varied nature and thus unable to allocate the resources to all the products. So, a considerable amount of products are obsoleting.
आर कंपनीज ऑल्सो अनेबल टू स्पेंड एनफ ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विच इज वाइटल फॉर सर्वाइवल एंड शेयर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. एज एन इमीडिएट मेजर वी नीड टू शट डाउन 40% ऑफ द प्रोडक्ट्स इमीडिएटली. वी शुड ऑल्सो अडेप्ट टू द कंटिन्यूस चेंज ऑफ द मार्केट क्विकली एंड चेंज आवर पॉलिसीज अकॉर्डिंगली. सो आई रिक्वेस्ट यू to allow me some time to assemble a team to develop new strategies and to ameliorate our condition. Thank you for your kind cooperation. और फिर finally इन्होंने end किया. इनका जो letter था one of the best written letters था. Okay? ये West Bengal से हमारे student है संपन घोष, वहां से लिखकर भेजते हैं और इनका letter अगर आप इसकी wordings देखो और सारी चीजें देखें तो वन ऑफ द बेस्ट रिटन वंस. ओके, अमित कुमार का पेपर है, दिल्ली से हमारे स्टूडेंट है. अमित कुमार सोनीपत हरियाणा से स्टूडेंट है. इंडिया इज अ नेशन ब्लेस्ड विद कल्चरल डाइवर्सिटी, एथनिक यूनिटी एंड वाइड स्प्रेड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर नियरली 565 प्रिंसली स्टेट्स विच केम टूगेदर टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट इंडिया. दिस वॉज द इलस्ट्रेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन विच इज स्टिल बींग पुट फॉरवर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफाइड इंडिया. देखो कितनी बढ़िया शुरुआत है और बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब इतने स्टेट्स को हमने यूनाइट किया तो definitely considering the present scenario, there are various challenges to the national integration in India. Various political parties try to exploit sentiments of religious communities just to propagate their ideology and garner votes. Such immoral practice led to communal violence in the past, thus triggering tensions among various religious communities even after independence demands by various groups for separate statehood on the basis of language, ethnicity, religion still are reported in media. This clearly pose challenge for the unified India. Dalits and people from downtrodden and oppressed communities still face oppression and discrimination by the upper caste people. Such prejudiced views regarding the downtrodden is an impediment to national integration in India. Atrocities committed on Dalits are on rise. Recently, Government of India has taken an initiative to integrate Jammu and Kashmir with the rest of India by abrogating Article 370. Such initiatives and bold decision need to be taken frequently in order to integrate India. Uniform Civil Code can be one such initiative which will lay the foundation of similar set of laws for all communities by abrogating personal laws. इनके suggestions भी दिए हैं उन्होंने कि हम क्या कर सकते हैं. अगर आपके पास अच्छे सजेशंस हैं देने के लिए दीजिए. देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट दैट चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन विल ऑलवेज बी प्रेवलेंट इन अ नेशन लाइक इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स कल्चर. बट एट द सेम टाइम इट इज दिस डाइवर्स कल्चर एंड एथनिसिटी विच इज होल्डिंग द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ दिस नेशन. ओके, ये इनका ऐसे था. लेटर देख लेते हैं. एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली 21 अक्टूबर 2019 टू द मैनेजिंग डायरेक्टर डेकोर फर्निशिंग करोल बाग न्यू दिल्ली. एक्सप्लेनेशन फॉर लो सेल्स इन नवंबर. I am working as a manager in New Delhi branch of your company. Through this letter, I would like to explain the reasons for low sales in November. After analyzing the sales chart and ongoing trends, it has come to my notice that low sales in November is due to an array of factors. Firstly, low demand of our products due to deteriorating product quality has affected the sales. Secondly, we are still following conventional ways of advertisement and sale of products. Sale through online platform can boost our sales. Thirdly, modernization of equipments used for manufacturing of products should be implemented as obsolete technology compromises with quality of products. So I would like to request you to kindly consider the reasons and solutions to improve low sales. It will help in boosting sales. Thank you. Yours truly, Satbir Singh. Okay. Aur word count hai inka 166. To ye last paper tha jo mujhe aapke saath discuss karna tha. और आप देखिए कि मैंने कुछ एक स्टूडेंट्स जो अच्छा लिखते हैं उनके पेपर्स आज आपके लिए लिए थे और आपको बताने की कोशिश की क्योंकि उनके पेपर में क्या अच्छा था. आप देखिए आप कैसा लिख रहे हैं, कंपेयर कीजिए, आपको आइडिया होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको यहाँ दिए हुए हैं और 31 अक्टूबर 2019 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है तो बिना समय गंवाए आप जरूर ज्वाइन करें. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय.